के कुनिहार से रविवार को देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा के संस्थापक रोमित सिंह ठाकुर ने 100 दिवसीय अन्न त्याग यात्रा का आगाज किया, जो प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से होती हुई पुनः 100 दिन के बाद कुनिहार पहुंचेगी। यात्रा के दौरान समाज के हर वर्ग को जगाने का काम किया जाएगा। वहीं समापन के दिन 5 दिसंबर को कुनिहार में महारैली के साथ साथ जातिगत आरक्षण के पुतले का भी दहन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। आज से आपकी कुनिहार से अंत्याग यात्रा शुरू हो गई है, और ये किन जिलों से होती हुई और कब समापन होगा इसका? रिया से अंत्याग यात्रा शुरू हुई है, और पहले हम लोग 2 दिन अर्की विधानसभा है, फिर नालागढ़ है, फिर दून है, फिर कसौली है, सोलन है, और उसके बाद हम लोग सिरमौर की तरफ मूव हो जाएंगे। आज 27 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है, और 5 दिसंबर को उसका समापन होगा। 100 दिन की ये अंत्याग यात्रा है, तो लगभग 3 महीने हम लोग 3 महीने के बाद वापसी करेंगे, और 5 दिसंबर को कुनिहार तालाब में महारैली के साथ इस यात्रा का समापन किया जाएगा। और समापन के अवसर पर जिन नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार के साथ लड़ रहे हैं, जातिगत आरक्षण जैसी, तो जातिगत आरक्षण का यहाँ पर पुतला दहन भी किया जाएगा। और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस यात्रा को अपना भरपूर सहयोग दें, आशीर्वाद दें, और 5 दिसंबर को एक रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब के तौर पर कुनिहार पहुँचे। इस मौके पर रोमित ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सत्तासीन कांग्रेस सरकार और विपक्ष में बैठी बीजेपी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। दोनों ही पार्टियों का कोई भी नेता सुवर्णों के अधिकारों की बात नहीं कर रहा है। देश में जितनी भी घटनाएं हुई, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण मोर्चा की बात हो, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे। हम लोगों ने हमेशा से अपने कदम आगे बढ़ाए, और यही कदम आगे बढ़ाते हुए जो 100 दिन की यात्रा है कि 100 दिन तक हम लोग अन्न का त्याग करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश के ये जो 62 लाख लोग हैं, जिसको 75% स्वर्ण समाज की जनता कहा जाता है, हम उनको एक बार फिर से हमारा ये प्रयास कि आप लोग साथ आओ चाहे ना आओ, आप खड़े हो चाहे ना खड़े हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार लटकेगी, उस दिन रोते रोते तुम लोग नाम भी ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण मोर्चा, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी वालों का लोग है, इन्हीं लोगों का लोग। अगर कभी कोई जंग जीती जाती तो हर कोई संख्या इकट्ठी करके जंग जीत लेता जा, लेकिन इतिहास ये भी कहा है कि लाखों लाखों की सेनाओं को मात्र 5,000 और 10,000 की सेनाओं ने उल्टे पैर वापस दौड़ाया है, और हम वही लोग हैं कि अगर हमारे सामने लाख भी खड़े होंगे तो हम लाख को भी, हम 5,000 भी होंगे तो हम 5,000 उनको उल्टे पैर वापस दौड़ाएंगे। हमारी ताकत का अंदाजा कभी हमारी संख्या बल से हम लोगों ने नहीं लगाया। हिमाचल प्रदेश की जहाँ पर बात आती है, हमारी ताकत का अंदाजा हमेशा हमारे जज्बे से लगाया गया है, हमारे जिगरे से लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हमारे साथ चाहे उतार का समय आया हो चाहे चढ़ाव का समय आया हो, हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कभी अपने कदमों को कभी हम लोगों ने रोका नहीं। हमारे साथ जैसी मर्जी स्थिति आई, हमारे सामने जितने मर्जी विरोध करने वाले हमारे सामने खड़े हुए, हम लोगों ने अपने कदमों की गति कभी नहीं रोकी। लड़ाई किसी जाति के साथ नहीं, और हमारी जाति के साथ किसी की लड़ाई है भी नहीं। हमारी लड़ाई है सरकार की व्यवस्था के साथ, हमारी लड़ाई है सिस्टम के साथ। जहां पर बात आएगी इनको हिलाने की, हिलाएंगे। जहां पर बात आएगी इनको उखाड़ कर फेंकने की, वहां पर उखाड़ कर फेंकेंगे। हम लोगों ने वो शुरुआत की है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से। बहुत सारे लोग, पहले हम लोग नोटा नोटा करते थे, नोटा वालों को नोटा में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब लोटा लेकर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। आवश्यकता है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की। 3 महीने बहुत सारे लोग अपने सारे के सारे त्यौहार सब कुछ अपना घरों में जाकर मनाएंगे, और चाहे भी रक्षाबंधन आएगा, चाहे दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, आप लोग व्यस्त हो जाएंगे अपने त्यौहारों को मनाने के लिए, लेकिन हम आप लोगों के बीच में होंगे, हम आप लोगों के सड़कों पर होंगे। ना हमारी दिवाली हमारे घर में होगी, ना हमारा दशहरा हमारे घर में होगा, ना हमारे घर की रोटी हमारे साथ होगी, ना हमारा घर की छत हमारे साथ होगी। आप लोगों के बीच में हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में आने वाले, सब कुछ त्याग कर हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। इस केसरिया को धारण करके हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, शस्त्र और शास्त्र लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।